विमुक्त घुमंतू विकास बोर्ड के नवनियुक्त प्रदेश वाइस चेयरमैन जयसिंह पाल के साथ बीते दिन इस्माइलाबाद में घटी घटना के विरोध में पिछड़ा वर्ग ओबीसी एससी घुमंतू वर्ग एकजुट हो गया है। बीती शाम हरियाणा पाल गडरिया सभा कुरुक्षेत्र धर्मशाला परिसर में आयोजित बैठक में विमुक्त घुमंतू विकास बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर बलवान सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, रामकुमार रंभा, भाजपा महामंत्री सुशील राणा, विनोद पाल आदि ने भाग लिया। डॉक्टर बलवान सिंह ने कहा कि किसान रूपी शरारती तत्वों द्वारा जयसिंह पाल के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके विरोध में सारा समाज एकजुट होकर महापंचायत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये शरारती तत्व किसान थे ही नहीं, क्योंकि असली किसान इस समय खेत में है। जो हमारे डीएनटी बोर्ड के वाइस चेयरमैन के द्वारा, जिसमें किसान रूपी जो लोग थे शरारती तत्वों ने इस्माइलापुर में 17 तारीख को जो दुर्व्यवहार किया गया इस्माइलाबाद में दुर्व्यवहार किया गया, क्योंकि ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार डीएनटी बोर्ड बना था। ये घुमंतू जातियां हैं, लगभग 20-25 लाख जनसंख्या है इनकी, और बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है जो इन जातियों के बारे में सबसे वंचित जातियां हैं सोचा है। क्योंकि मैं चेयरमैन होने के नाते जो हमारे वाइस चेयरमैन के साथ दुर्व्यवहार किया, बड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि हमारा किसान साथी रहे हैं, क्यों जो शरारती तत्व थे वो असली किसान नहीं थे, असली किसान खेतों में हैं, और पूरा समाज विमुक्त और घुमंतू और गडरिया समाज इसकी पूरी निंदा करता है, और जो हमारे वाइस चेयरमैन के साथ अभद्रता की है। और कल हमने जो विमुक्त और घुमंतू और गडरिया समाज की महापंचायत रखी है, बड़ी पंचायत है, उसमें पूरा समाज जो हमारे वाइस चेयरमैन के साथ अभद्रता हुई है उसका पूरा रोष है, और हम प्रदर्शन करेंगे कल। तो कल और कौन कौन पार्टी की ओर से या संगठन की ओर से भी कोई आने वाले हैं? नहीं, ये महापंचायत है हमारी जो विमुक्त और घुमंतू जातियों की महापंचायत, जो हमारे 20-25 लाख की जो जनसंख्या है वो रोष प्रकट करेगी, क्योंकि जो शरारती तत्वों ने इन लोगों वाइस चेयरमैन के साथ अभद्रता की है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्व किसान हो ही नहीं सकते। किसानों के भेष में कांग्रेस और वामपंथियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कड़े शब्दों में उक्त घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो जो घटना घटी है मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्व वो किसान तो हो ही नहीं सकते। हमेशा से इस देश में, प्रदेश में और ज़िले में किसान जो है वो कभी ऐसी घटना कर ही नहीं सकता, और वो किसान के भेष में वो जो लोग हैं वो, मैं तो ये कहूँगा, वो कांग्रेसी और वामपंथी लोग हैं। और हमारे जो पाल समाज के जयसिंह पाल जी जो वाइस चेयरमैन हैं घुमंतू जाति के, तो उनके साथ जो उन्होंने अत्याचार किया है उसकी कड़े से निंदा करता हूँ, और ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या एक गरीब छोटे से परिवार के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने एक दायित्व दिया, एक सम्मान का पद दिया, और उन लोगों को वो हजम नहीं हो रहा? इसी के तहत जो बीसी समाज है उसमें बड़ा रोष है। वैसे तो सभी समाजों में रोष है इसका कि ऐसी घटना निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। पूरे समाज के अंदर इसमें रोष है, लेकिन ज़्यादा विशेष तौर पे जो ओबीसी बीसी समाज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोष है। और कल जो ये घटना हुई है, कल इसमें जितना भी ओबीसी समाज, बीसी समाज और सभी और जो इससे आहत हैं इस घटना से, वो सभी इसमें समर्थन दे रहे हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर इसीलिए समर्थन दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरे देश का किसान ऐसा नहीं कर सकता, मैंने अभी बताया आपको, और ये किसान नहीं है, तो ये किसान के भेष में है। सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए ये साजिश रच रहे हैं, और ये जो पूरी जो पॉलिसी है, पूरा जो खेल है, ये कांग्रेस द्वारा रचा गया है। वहीं रामकुमार रंभा ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की, और विनोद पाल ने भी इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। के वाइस चेयरमैन बनने पर जयसिंह पाल के साथ जो घटना घटी है उसमें पूरा पाल गडरिया समाज रोष प्रकट करता है,
गांव-गांव, शहर-शहर में जो किसान यूनियन के गुंडे छोड़े गए हैं उनके खिलाफ पुतला फूंक कर और गांव-गांव पे जो समाज की आज बर्बरता की गई है, एक वृद्ध व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा गया, जिससे समाज आज पूरे रोष में है। क्योंकि हमारे समाज ने कोई कानून नहीं बनाया है, यह कानून बनाने का काम सरकार कर रही है। हम हमारे समाज के व्यक्ति के का एक छोटा सा पद भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम सब समाजों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारे समाज का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। आज हरियाणा पालकटिया समाज पूरे रोष से और पूरा क्रोधित है। पालकटिया समाज, पालकटिया समाज, जो ये घटना घटी है, श्री जय सिंह पाल वाइस चेयरमैन मंत्री जाति और इससे पहले हमारे श्री नायब सिंह सैनी के साथ घटना घटी और कई घटना घटी है, जो कि लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है भी, हम आंदोलन करना करें कोई दिक्कत नहीं, पर किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना ये कोई समाज के लिए बहुत घिनौनी हरकत की है इन्होंने। और तमाम पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी इस चीज़ के लिए एकत्रित हैं और इस बात का हम पूरा इंसाफ देंगे जब तक हम खाली नहीं बैठेंगे। और कल हम इसके बारे में नई रणनीति बनाएंगे और एक तमाम हरियाणा का एससी, ओबीसी, घुमंतु सभी जाति मिलकर एक पूरा सम्मेलन करेंगे ताकि हमें पूरा इंसाफ मिले और इसमें दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले।